दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन चेस का यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने ब्लैक एंड डेकर का नाम तो जरूर सुना होगा। ब्लैक एंड डेकर एक ब्रांड है जो काफी सारे टूल्स और होम और किचन अप्लायंसेस वगैरह बनाते हैं और मैंने परचेस किया ब्लैक एंड डेकर का एक सैंडविच मेकर। आगे वीडियो में करते हैं आज इसको अनबॉक्स और बताऊंगा कैसे काम करता है ये सैंडविच मेकर और जिस प्राइस में आपको ये मिलता है ये एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में मिलता है ब्लैक एंड डेकर का सैंडविच मेकर। सिंपल से दिखने वाला बॉक्स है और यहाँ पे कोई रंग बिरंगा बॉक्स है नहीं, ऊपर केवल एक व्हाइट कलर का स्टिकर लगा हुआ है ब्लैक एंड डेकर की ब्रांडिंग के साथ, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है। वैसे तो इस तरह के बॉक्स देखकर लगता है कोई अनब्रांडेड आइटम है और इसके अंदर रख दिया गया है केवल स्टिकर लगाकर, लेकिन जैसे कि ब्रांड का नाम काफी ज्यादा पावरफुल लगता है सुनने में, बॉक्स भी उन्होंने थोड़ा पावरफुल दिखाने की कोशिश की है कुछ इस तरीके से। और बॉक्स के एक साइड पर दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स जैसे कि टू स्लाइस सैंडविच मेकर है, TS2000 मतलब कि 2000 P5 है मॉडल का नाम। प्राइस दिया हुआ है 2595 रुपये, लेकिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा केवल 700 रुपये में, जो कि एक डील थी। और ऐसे डील्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए अगर परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। रेगुलर प्राइस में आपको मिल जाएगा करीब 1000-1200 या 1500 रुपये तक। और बॉक्स के अंदर से आपको मिलता है कुछ इस तरह से सैंडविच मेकर, साथ में मिलते हैं आपको कुछ ऑनर मैनुअल्स जिस पर की काफी सारी बातें दी हुई हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, कैसे आप रिप्लेसमेंट कर पाएंगे प्लग को या फिर कहां पर आपको यूज करना चाहिए, किस जगह पर आप अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी जरूरी बातें भी दी हुई हैं जो आपको इस्तेमाल करने से पहले जरूर पढ़नी चाहिए। अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बाकी परचेस करने से पहले इस्तेमाल करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद आपको मिल जाता है एक 3-पिन सॉकेट जो कि आता है 2-पिन इंडियन सॉकेट के साथ में, क्योंकि आप इसको इंडिया में परचेस कर रहे हैं तो आपको ये वाला सॉकेट जरूर मिलेगा, बिकॉज सैंडविच मेकर के साथ जो मिलता है इंटरनेशनल सॉकेट मिलता है। अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो कुछ इस तरह की शाइनिंग वाले मटेरियल से बना हुआ है यहाँ पर आपका सैंडविच मेकर। और जिस इंटरनेशनल सॉकेट की बात कर रहा था वो मैं आपको सबसे पहले दिखाई देता हूँ। कुछ इस तरह से सॉकेट्स मिलते हैं आपको जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते हैं और काफी सारे इंडिकेशंस वगैरह भी दिए हुए हैं, बिकॉज आपको हो सकता है इसको किसी और प्लग में इस्तेमाल करना पड़े तो आप इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। और अब एक क्लोजर लुक लेते हैं अपने सैंडविच मेकर का। 2 LED मिलती है आपको ऊपर की तरफ, एक रेड और एक ग्रीन, और बाकी यहाँ पे स्टील जैसा मटेरियल है। बाकी सारा सैंडविच मेकर प्लास्टिक का है जो कि एक हार्ड प्लास्टिक है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की है। पूरा का पूरा सैंडविच मेकर ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है और देखने में काफी अच्छा लगता है। साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको व्यू मिल जाता है सैंडविच मेकर का। बाकी सामने की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाता है एक लॉक जिसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बिकॉज अगर आप इसको बार बार ओपन करते हैं और लॉक करते हैं तो अक्सर करके ये निकल जाता है। और सैंडविच मेकर को ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 2 स्लाइसेस रखने की जगह सैंडविच मेकर की, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, नॉन स्टिक मटेरियल है और काफी अच्छी क्वालिटी का है, और मुझे नहीं लगता काफी जल्दी से ये खराब होने वाला है। बाकी ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है ये कनेक्ट होते हैं एक पाइप के जरिए, इसके अंदर से वायर गए हुए हैं और दोनों ही इससे गर्म होते हैं जिससे कि आपका जो सैंडविच है दोनों तरफ से ही अच्छे से कुक हो जाता है। बाकी आप इसके अंदर बटर या फिर ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका जो लॉक है इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है नहीं, अगर आप बार बार कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह से निकल जाता है, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज निकलता ही है, टूटता नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। और जैसे ही आप प्लग इन करेंगे सैंडविच मेकर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो कुछ इस तरह से रेड कलर की लाइट दिखाई देगी, कुछ देर बाद यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट दिखाई दे जाएगी और अपना सैंडविच को आपको रख देना है इसके अंदर। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट बंद होती है आपका सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सैंडविच भी पसंद आया होगा। और सैंडविच मेकर अगर आपको परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे थे ऑनलाइन चेस का। जय हिंद, वंदे मातरम।